अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्ट्रीन हमदर्द की, ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, इसके इस्तेमाल की, इसके फ़ायदे की और इसके इसकी प्राइस की। तो व्यूअर्स, पहले हम लोग इसकी प्राइस देख लेते हैं। इसकी प्राइस 250 रुपये इसकी प्राइस है, और ये जिगर के लिए बहुत ही बेहतरीन है, और यरकान के मखसूस ये बनाई गई है। तो वह 30 गोलियों की ये पैकिंग है, और ये बहुत ही बेहतरीन, और यरकान के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन है। जिगर में, ये यरकान में और जिगर के वरम में इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद और बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा ये जिस्म में खून की पैदाइश को बढ़ाता है, ये जिस्म में खून के सुर्ख गोलियों की पैदाइश को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा ये रेड ब्लड सेल्स में खून के फ्लो को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिगर में, अगर जिगर के अमराज के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन समझा जाता है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें तो यरकान में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आप यरकान में इसका इस्तेमाल करते हैं, यरकान में इसको लाजमी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा जिगर में सूजन हो या जिगर खून नहीं बना रहा हो, या जिगर में कोई वरम हो या दूसरी बीमारियां हो जिगर की, तो इसका इस्तेमाल बेहतरीन है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें तो एक्ट्रीन हर सूरत में मुफीद है। जिगर के खलियात और इसे जिगर के अफाल को दुरुस्त करने में इसका इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन है। ये जिगर के लिए, ये यरकान के लिए यकीनी दुआ है हमदर्द वालों की, और हमदर्द वालों की दुआ है, और ये वलादत के बाद होने वाले यरकान में भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसका तरीका इस्तेमाल यह है कि आपने दो दो गोलियां दिन में इसको इस्तेमाल करनी है। अगर आपको मर्ज शदीद है तो आप इसकी 3 से 4 गोलियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके इस्तेमाल से एक हफ़्ते में अगर आपको इसका आराम नहीं आता तो आप इसका इलाज अपने डॉक्टर को चेक करवा के इसका इलाज करवा सकते हैं। अब इसकी एहतियात यह है कि आप जब इसे इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपने पानी ग्लूकोज तो इसके दौरान पानी ग्लूकोज मिला पानी और फलों का रस ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना है। चिकनाई गोश्त और मसाला और दूसरी गज़ाओं से परहेज करना है। तो मैं, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।